स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। एसडी कुमार स्वामी क्यों 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करना चाहते हैं? असल में उनको भाजपा की चिंता है। येदियुरप्पा सरकार के गिर जाने के बाद भी कांग्रेस और जेडीएस के नेता अपने विधायकों को घेर कर बैठे हैं। कांग्रेस और जेडीएस के विधायक अपने परिवार के सदस्यों से भी बात कर रहे हैं तो एक तीसरा आदमी वहां मौजूद रहता है। कांग्रेस और जेडीएस को इस बात की चिंता है कि भाजपा अंदरखाने या प्रयास कर सकती है कि कुमारस्वामी की सरकार भी बहुमत साबित नहीं कर सके। सोशल मीडिया में इस बात का प्रचार भी शुरू हो गया है कि जो काम भाजपा को अपने लिए मिले 15 दिन में करना था वह काम कुमारस्वामी को मिले 15 दिन में कर दिया जाएगा, यानी कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक तोड़ दिए जाएंगे। यह भी प्रचार है कि अगर भाजपा कुछ विधायक तोड़ने में कामयाब हो गई और कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। भाजपा नेता यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि मंत्रालयों के बंटवारे के बाद दोनों पार्टियों के कई नेता नाराज होंगे, इससे उसका काम आसान हो जाएगा। तभी इस मामले को 15 दिन खींचने के बजाय कुमारस्वामी एक दिन में निपटाना चाहते हैं। बहुमत साबित होने के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा जिससे सभी जातियों और समुदायों को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी भाजपा का प्रयास जारी रहेगा। कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा ने उधर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसी समय सोशल मीडिया में येदियुरप्पा पर ठीकरा फोड़ने और इस शर्मिंदगी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाने का अभियान शुरू हो गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस पूरे मामले से दूर रखने का अभियान भी चल पड़ा। यह अभियान थोड़ा पहले शुरू हो गया था। शनिवार की सुबह से ही अलग अलग सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया में खबर चलनी शुरू हुई कि संघ बहुत नाराज है। कहा गया कि संघ को राज्यपाल का रवैया पसंद नहीं आया है और अगर येदियुरप्पा बहुमत नहीं साबित कर पाए तो देर रात तक राज्यपाल का इस्तीफा हो जाएगा। बाद में इसी लाइन पर यह प्रचार हुआ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी राज्य में सरकार बनाने की मंजूरी नहीं दी थी, पर येदियुरप्पा की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा। राज्य में दो तरह की थीसिस का प्रचार हो रहा है। एक थीसिस यह है कि मोदी और शाह नहीं चाहते थे कि तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई जाए, इस थीसिस के मुताबिक जो किया येदियुरप्पा ने किया। दूसरी थीसिस यह है कि येदियुरप्पा की जिद के सहारे मोदी और शाह दोनों उनको रास्ते से हटाना चाहते थे, अब उनकी जिद भी पूरी हो गई और वे राज्य की राजनीति से भी निपट गए। विधायकों के बेहतरीन प्रबंधक के तौर पर उभरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की नजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर है। हालांकि वे कह रहे हैं कि वे उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पर उनको पता है कि वे कुमारस्वामी की सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसका कारण यह है कि वे भी वो कलिंगा समुदाय से आते हैं जिसके सबसे बड़े नेता एच डी देवगौड़ा हैं, इसलिए वो कलिंगा मुख्यमंत्री की सरकार में वो कलिंगा उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। फिर भी उन्होंने गुजरात के राज्यसभा चुनाव से लेकर कर्नाटक में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और फिर भाजपा को बहुमत साबित करने से रोकने के अभियान में जैसे प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए कांग्रेस आलाकमान को उनके बारे में गंभीरता से विचार करना है। तभी कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर को उपमुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। वे दलित हैं और उनका नाम तय है, सो वे इस्तीफा देंगे। हालांकि कांग्रेस के कई जानकार नेता बता रहे हैं कि वकलिंगा पार्टी जेडीएस के साथ तालमेल है तो कांग्रेस क्यों वकलिंगा प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। कांग्रेस किसी ओबीसी नेता को कमान देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस के अंदर किसी लिंगायत नेता को भी उपमुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है तो एस शिवशंकरप्पा का नाम सबसे ऊपर है। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में, जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर। सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा। विपक्षी पार्टियां अति उत्साह में हैं। कर्नाटक के पूरे घटनाक्रम में विपक्ष के गुड्डे गुड़ियों में ऐसा लग रहा है जैसे चाबी भर दी गई हो। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दो अहम पहलू हैं जिनसे विपक्ष को ताकत मिली दिखती है। पहला पहलू ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पूरी ताकत लगाने के बावजूद पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। दूसरा पहलू ये है कि बहुमत से कम संख्या के बावजूद भाजपा ने सरकार बनाई और बहुमत साबित नहीं कर सकी। यानी 15 मई को भाजपा को पहला झटका लगा था और 17 मई को दूसरा। इन दो झटकों से उबरना भाजपा के लिए आसान नहीं दिख रहा है। एक झटके में अमित शाह की पिछले 4 सालों में बनी इमेज ध्वस्त हो गई। सोशल मीडिया में उनके समर्थक प्रचार चलाते थे कि देश दुनिया में कहीं भी सरकार बनाने के लिए संपर्क करें। इस प्रचार की हवा निकल गई है, पर कर्नाटक के बहाने जब विपक्षी एकता की बात होती है तो उसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि कर्नाटक विपक्षी एकता का प्रस्थान बिंदु जरूर बन रहा है, पर इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये तथ्य स्थापित हो गया था कि विपक्ष एकजुट हो तो भाजपा को रोका जा सकता है। विपक्ष को उससे सबक लेकर आगे की राजनीति करनी होगी। इसमें एक सबक कैराना लोकसभा सीट के नतीजों से भी मिलेगा।
भाजपा को रोकने का सबसे पहला संगठित प्रयास बिहार में हुआ था। लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़कर लहूलुहान पड़े दो क्षत्रपों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश के साथ लड़कर विधानसभा में 91 सीट जीती भाजपा चार पार्टियों के गठबंधन के बावजूद 55 सीट ही जीत पाई, पर विपक्षी पार्टियों ने इस नतीजे से सबक नहीं लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और सपा व बसपा अपने अपने अहंकार में लड़ते रहे। नतीजा ये हुआ कि दोनों का सफाया हो गया। दोनों पार्टियों ने अपने अनुभव से सबक लिया और गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव मिलकर लड़े और आसानी से भाजपा को हरा दिया। अब कैराना लोकसभा सीट पर सपा बसपा रालोद और कांग्रेस ने साथ मिलकर भाजपा को चुनौती दी है, लेकिन यहां विपक्ष ने एक दूसरा प्रयोग किया है। विपक्ष ने भाजपा के हिंदुवादी चेहरे मृगांका सिंह के मुकाबले मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। अगर सपा का यादव, बसपा का जाटव और रालोद का जाट एक साथ मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देते हैं और उसकी जीत होती है तो ये भाजपा की मुश्किलों के लंबे दौर की शुरुआत का संकेत होगा। बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद तीसरा मौका कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का था, लेकिन विपक्ष की किसी पार्टी ने पिछले अनुभव से सीखकर कोई पहल नहीं की। जेडीएस और कांग्रेस ने आपस में बातचीत करके तालमेल का प्रयास नहीं किया। जेडीएस के नेताओं ने अकेले सरकार बनाने का एक बिल्कुल काल्पनिक लक्ष्य तय किया। ऊपर से यूपी में बुरी तरह से पीटी बहुजन समाज पार्टी ने कर्नाटक जाकर जेडीएस से तालमेल कर लिया। इस तालमेल ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। विपक्ष के बिखर कर लड़ने का नतीजा ये हुआ है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस से 2% कम वोट होने के बावजूद उसकी सीटें कांग्रेस ज्यादा हो गई। चुनाव नतीजों के बाद फिर विपक्षी नेताओं की नींद खुली और जैसे तैसे भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए चुनाववाद का गठबंधन बना। अब इस गठबंधन की सरकार बनवाने के लिए विपक्षी नेताओं का जमावड़ा बेंगलुरु में लग रहा है, पर बड़ा सवाल है कि क्या अब सभी विपक्षी पार्टियों ने सबक ले लिया और अब हर हाल में मिलकर ही लड़ेंगे। ये कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होता रहा है और इतिहास गवाह है कि कभी भी सामान्य स्थितियों में ये एकता नहीं बनी है। इमरजेंसी बोफोर्स जैसे हालात बने तभी विपक्ष एकजुट हुआ। सो विपक्ष के आगे की राजनीति को लेकर बहुत संशय है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बात साबित कर दी है कि देश में सत्तारूढ़ पार्टियों के खिलाफ लोगों का मूड है। लोग सत्ता बदलने की सोच के साथ वोट कर रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर हर जगह लोगों ने सत्ता पलटी है। सो आगे की चिंता भाजपा को करनी है क्योंकि अब हर जगह उसकी सरकार है जहां चुनाव होने वाले हैं। पर इन चुनावों में भाजपा को हराना तभी संभव है जब विपक्ष एकजुट हो, और विपक्ष की एकजुटता तभी संभव है जब कुछ पार्टियां अपने हित छोड़ें और कुछ नेता अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता करें। कायदे से सभी विपक्षी पार्टियों को लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के अनुभव से सीखना चाहिए। कैसे बिहार में 16 विधायकों वाली पार्टी के नेता नीतीश ने लालू प्रसाद से समझौता किया तो सिर्फ 100 सीटों पर लड़ने को राजी हो गए। नीतीश ने जीती हुई 16 सीटें छोड़ी। नीतीश का सबक ममता बनर्जी के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि उनके विपक्षी एकता बनाने के लिए सबसे ज्यादा सीटों की कुर्बानी देनी होगी। अगर ममता बनर्जी समेत तमाम नेता इस तरह से अपने हित छोड़ने को राजी होते हैं तभी वास्तविक गठबंधन बनेगा, नहीं तो लड़ाई चलती रहेगी। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।